और एक यो पंचायती जगह पड़ी थी, खाली थी, तो इसको टेम्परेरी तौर पे दे दिया गया है ना, तो इस पर कोई कब्जा है, मतलब इसकी और साफ सफाई हो गया तो ठीक होगा, मदद मतलब पूरा गांव, बाकी सारा गांव बाबा के साथ है। महाराज जी दिल्ली में गौ सेवा, गौ चिकित्सा शिविर, योग शिविर को लेकर फेमस थे, अब हरियाणा के सोनीपत जिले में पहुंचे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। आप सभी को राम राम। मेरा नाम रामानंद महाराज जी है, मैं दुलेड़ा गांव है जो उसके पास अपना संपाड़ा धाम है वहां से आए हुए हैं, और जो महाराज जी है बैनाथ जी हमारे प्रिय महाराज जी है, इन्होंने गौ के बारे में हमें बताया, हम भी गौ माता का बहुत सम्मान करते हैं, गौ माता हमारी ये माता सनातन धर्म में माता के रूप में देखी जाती है, उसको चिड़िया भी माना जाता है सनातन धर्म में, और अब जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं अपने धर्म के प्रति, पूजा और पाठ कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी काम धार्मिक कोई भी काम करते हैं, पहले गौ माता का दूध की जरूरत पड़ती है और घी की जरूरत पड़ती है, पंचामृत बनाना पड़ता है, उसमें गौ माता के सारे जो दही पीने की जरूरत पड़ती है, कोई भी कर्म में भी हम कोई सात्विक कार्य करते हैं तो उसमें भी गौ माता के गोबर से पहले सारा घर लिपा जाता है, और चूल्हा चालू करने से पहले भी हम उसकी सफाई पुताई गौ माता के गोबर से ही करते हैं, गौ माता हमारी बहुत आदरणीय है, उसका हमने सम्मान करना चाहिए, और जो हमारे महाराज जी है इन्होंने गौ माता को इतना अपना वो बना रखा है लक्ष्य है कि गौ माता की सेवा करना, इन्हें के ऊपर अपनी जान समर्पित कर रखी है, और हम देखते हैं इनकी सेवा, एक्सीडेंट जो होंगे उनको लेके आते हैं और अपने हॉस्पिटल में दिखाते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनको उपचार करने के बाद जो ठीक हो जाती है तो दूसरी जगह को सलाह देते हैं, हमें बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, इन्होंने गौ माता के बारे में हमें बताया, हम भी इनसे जुड़ गए और इनके गौशाला में आते रहते हैं, हमें भी खुशी मिलती है यहाँ पर आकर सेवा कर कर। मानव सेवा तो समझ में आता है लेकिन ये पशु सेवा की ओर अग्रसर है, ना केवल अकेले बल्कि एकला चलो के साथ साथ लोगों का हुजूम भी जोड़ते हैं, ये क्या कहेंगे आप? देखो नर सेवा नान सेवा भी अपने ग्रंथों में बताया गया है, बाकी इंसान समझदार हो तो अपने आप अपनी सेवा तो कर सकता है, पर ये 184 जो हम चोनी जो भोगते हैं, जो पशु जिसमें हमने पशु चोनी में जाना पड़ता है, उसमें पशु तो इतना समझदार नहीं होता, जो अपनी सेवा अपने आप अपना खाना पीना अपनी ये व्यवस्था कर सकता है, सर्दी गर्मी इन चीज़ों से बच सकता है, और ये हमारे धर्म में पवित्र भी है और अपनी गौ माता भी है, ये पूजनीय भी है, इनकी सेवा भी करनी चाहिए हमें, और हमारे देवी देवता भी सभी जो 33 कोटि प्रकार मतलब प्रकार के बताए गए हुए भी इन्हीं में वास करते हैं, गौ माता में हमारे सभी देवता है, इनके ऊपर हाथ फेरने से, इनका दूध पीने से और इनकी सेवा करने से अनेकों लाभ है, उनके बारे में है, मैं आपको सत्यों में क्या बताऊँ, बहुत ही लंबी कहानी है। एक पक्ष गौ माता को लेकर इतना आदर करता है, प्रेम करता है, और दूसरा पक्ष उसकी उपेक्षा के दृष्टि से देखता है और अनादर करता है, इसका अंजाम मवेशी सड़कों पर आ जाती है, क्या कहेंगे आप? इसका अंजाम ये है कि जिनको गौ माता के बारे में पता है वही तो उसका आदर सम्मान करेंगे, जिनको गौ माता के बारे में कुछ पता ही नहीं है ये क्या है, वे तो सब पशु समझते हैं, हम तो गौ माता बोलते हैं, माता शब्द में और पशु में बहुत अंतर है, इसलिए हम तो माता के रूप में ही रखते हैं, इनको पूजनीय है, इनकी सेवा करते हैं, और जिस आदमी को जिस व्यक्ति को इनके बारे में सनातन धर्म में पैदा होकर यही नहीं पता पशु में और माता में फर्क इतना है, तो उनकी क्या तुलना किससे करेंगे? आपने सनातन धर्म की बात करी तो गौ माता हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, लेकिन आज कलयुग में गौ माता को लेकर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है? उसका रीजन आज के दिन यही है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपने ग्रंथों से दूर हो रही है और अपने सनातन धर्म से दूर हो रही है, उन्होंने
इस बारे में धार्मिक चर्चाओं में रुचि नहीं रखी और समय के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसी जगह ध्यान हो गया युवाओं का, मतलब अपने सनातन धर्म की। ये गलती तो मैं सरासर अपनी मानता हूँ, हमारे हम लोगों की मानता हूँ, जो हम अपने युवा बच्चों को समझा नहीं पा रहे, उनको इस दृष्टि से नहीं बता पा रहे कि अपना धर्म क्या है, गौ माता क्या है। हम उन पर और गहराई से काम करेंगे और आगे बढ़ाएंगे कि अपने युवा बच्चों को सभी को पता लगे गौ माता है क्या, कितनी पवित्र है, कितनी रखने योग्य, मतलब पूजा किस प्रकार कर सका, हमारे जीवन में इनकी पूजा करने से कितना सुधार हो सके। इसलिए हम अपना ही लोग कमी मानते हैं कि इस बारे में हम लोगों को नहीं समझा पा रहे। ये बच्चा है, ये छोटा सा बहुत कुत्तों ने काट लिया था, बहुत जख्मी हालत, नाजुक हालत है इसकी, इसको लेकर आए थे, ये भी आप देख सको हो, अब काफ़ी हालत इसकी ठीक है। और उसी के साथ साथ ये रागणी प्रोग्राम चल रहा है, भंडारे का आयोजन है, प्रोग्राम में आता है, ये हमारे बारे में दो बात बताओगा भाई मोहित भैया। राम राम भाई, राम राम भाई। तो भाई साहब कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। महाराज जी के प्रति बताओ दो। महाराज जी के प्रति हमारे गुरु जी हैं भाई, ये तीन चार जगह चिकित्सालय बना चुके हैं, सबसे पहले लालपुर में नीम रखी थी महाराज जी ने, बहुत बढ़िया चल रहा है वहाँ भी, लेकिन कुछ तत्वों के कारण वहाँ से महाराज जी ने अपना प्रस्थान किया दिल्ली। ज़्यादा समय तक क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो भी है हमारे सामने खड़े संत जी, आज यहाँ भी मैं वीरागणी का राजा बता रहा था कि आज भाई यहाँ बास बंदरे है शुरुआत हुई, अगर ऐसे इनकी सेवा करोगे, यहाँ पहला शुरुआत है, दर्शकों पहला प्रोग्राम है यहाँ, हम जहाँ आए हैं रागनी का मजा जी ये आया कि ऐसी सेवा कहीं देख के नहीं थी। आपने देखा होगा बच्चिया उसके माला पर आ रहे हैं, मैं तो दूसरी बार आया हूँ महाराज की गौशाला। हाँ ना, हमारे गुरु जी हैं, ये कई जगह प्रोग्राम भी कराए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, और पसीने आता था मशा लाए लो के हो रहा होगा। ये गुरुदेव हमारे यहाँ पे बता रहे, जहाँ पे ये जंगल में मंगल इसको बोलते हैं, जहाँ पे चिमटा काट दिया ना मंगवाले मंगल मंगल, इस गांव में चिमटा काटा है, यहाँ पे दिखना आड़े वाले टाइम का है, आस पास के गांव में मेरे ख्याल से ऐसा गौशाला ऐसा प्रोग्राम और कहीं नहीं होगा जहाँ ये शुरुआत करिए। पीछे भी ये लालपुर में किया था इन्होंने, वहाँ पर भी ऐसे जंगल मंगल किया था, उसके बाद कुतुबगढ़ दिल्ली में है वहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही चार चांद लगाए थे, अब हमारे बीच में आए हैं हम भाई, अब आ रही हैं गुरु जी के, इन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप यहाँ आके हमारे आशीर्वाद दिया है, हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं गुरु जी। चली हुई है अखंड ज्योत नवरात्रों की, देख सको आप, ये मेडिसिन है। आज यहाँ पे उद्घाटन का पहला ही दिन है गौ माता का, जो कि ये मेडिसिन आप देख सको हो, यो मेडिसिन है ये गौ माता के लिए, अखंड ज्योत माता रानी की चल रही है, पीछे ये कढ़ाई चढ़ रही है, प्रसाद बन रहा है, ये देख लो, यही हमारा रण बसेरा है, छोटे है इसमें, ये कासन वासन जिसे भी काम राम ने दे रखे हैं भाई खाने पीने के लिए। और अभी हमारे बीच हमारे कुतुबगढ़ के चिकित्सालय की प्रधान है, जो नई प्रधान हमने नियुक्त की है, वो डॉक्टर रिश्ते में हमारी दादी लागे हैं। मेरा नाम संजीव है। तो संजीव जी महाराज जी कैसे क्या चला रहे हैं? तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम करा है गांव में, जो चिकित्सालय खोल के हमारे आस पास है, जैसे गौ कोई एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती या पैर टूट जाता तो कोई से मारने वाला नहीं था, सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ टाइम के लिए डॉक्टर आते हैं, उनका लिमिटेड टाइम है। ऐसा तो नहीं आजकल भाई, लोग जमीन जमीन घेर रहे हैं ना बिल्कुल कोई ऐसी भी बात नहीं है जगह घेरने वाली। और एक यो पंचायती जगह पड़ी थी खाली थी, तो इसको टेम्परेरी तौर पे दे दिया गया है ना, तो इस पर कोई कब्जा है, मतलब इसकी और साफ सफाई हो गया तो ठीक हो गया, मदद मांग पूरा गांव, बाकी सारा गांव बाबा के साथ है और सनातन धर्मी है सारे, और गौ की सेवा करना तो हमारे धर्म में लिखा है, पर थोड़े लोग बाग इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते, मगर अब देखम देख है कि एक लगे तो दूसरा जुड़ गया, दूसरा तीसरा जुड़ गया, बाबा ने थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाई है, क्यों बाबा पहले भी अनुभवी हैं इस कार्य में, गांव के बच्चे तो इतने अनुभवी नहीं थे, पर बाकी बाबा ने इनको प्रेरणा दी और इनको प्रेरित किया, तो ये सभी बाबा के साथ जुड़े और इसका गौ चिकित्सालय का शुभारंभ हुआ। आज हमन पूजा भी हुई, रागणियों का प्रोग्राम भी था, भंडारा भी चल रहा है और सभी गाँव वालों ने सहयोग करा, कोई
किसी ने देसी घी का टीन दिया, तो किसी ने गौ माता के लिए चारा दिया, किसी ने पैसे दिए, तो किसी ने दवाई दी। और सभी हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे आसपास इस तरह का कोई चिकित्सालय नहीं था। सरकारी डरा तो आप समझते हैं जैसा सिस्टम है उनका, कभी आगे कभी नहीं आगे, पर हमारे गांव में डॉक्टर भी रहने लग गया है बाबा की आशीर्वाद से। और कोई भी रात को भी 2 बजे भी कोई कॉल आती है तो गांव के बच्चे हैं जो, वो सारे मिल के और ये सेवा देते हैं। तो सरकार की क्या है यहाँ पर नीतियाँ? सरकार की नीतियाँ तो जी जग जा ही रहे हैं जैसी सरकार की नीतियाँ, बाकी ये है कि अब तो गांव राम चबड़ा कोई चीज नहीं है जी, गांव सरकार के करेगी। और कौन कौन है भाई गांव का लड़का थोड़ा? ये सारे नाम बता भाई अपना, आगे ना थोड़ा यार क्यों बस यार, हिंदू होकर गाय के ऊपर पूछ जाएंगे हमके तरफ कोई, और कोई बात थोड़ा पूछ जाएंगे मेरे भाई। गांव के बारे में हम बता दें भाई, तुम राज्य हो काम महाराज जी का उछाला चला रहा है तो अपना जुड़ रहे थे हम 5-6 महीने से जुड़े थे अपना पहला अपने आपे करार थे सारे बालक मिलकर कि महाराज जी का साथ हो गया अपना चिकित्सालय खुल के सारे बालक में खुल कर चला रहे राम राम का भी साथ आ गया भाई। जो मार्तविन के जो आवारा गए ना जो रोड पर रात में एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिनके कारण उनने भी लेकर आया करो भाई आस भाई, रोड के एक्सीडेंट की है या कोई गौशाला नहीं है अच्छे तरीके ते बाधे है। और ये प्रधान जी ने दो बात पूछ जाएंगे राम राम प्रधान जी, पहले मुलाकात हुई आप भी घूमते रहो जितने युवा बच्चे हैं तो कई गाय हैं यहाँ पर अपनी जो यहाँ भाई गाय जिसका चोट लगे हुए हैं 10 पशु यहाँ है। अच्छा दूध की 2 गौ माता है, एक प्रेगनेंट कम से कम 7 मिलेगी तो अब छटवा दिया, पहले दूध देती आई थी किसी के बीमार रोड पर छोड़ दी थी, अब एक गाय है इंस्पेक्शन था उड़ी में और उसके थन बिल्कुल ठीक हो गए, 8-10 किलो दूध दे रही है। ये बच्चे अपने भाई के बहुत छोटा बच्चा है, कुत्ते ने काटा उड़े ये उस बच्चे ने प्या दे हैं कि बच्चे पी ले हैं काट गए ठीक है। हाँ खेड़ी बार उठे गए दोनों गाँव में बच्चा का संघर्ष है, बाबा का सहयोग से इनका बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा, हमारे युवा बच्चों का सहयोग मिला रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा, गांव राम का साथ लेना कुछ नहीं चाहते भाई। एक वो तुम्हारा कच्ची जो संघर्षी बालक का रजीन है जो भाई हरीश है भाई, चल रात ने 2 बजे नाले में तार लो, चल नहर में तार लो, चल कुएं में गिर लो, यो बालक ही साहब भाई हर एक चीज में आगे बढ़ चढ़ गए साले है भाई। ये बच्चे बात करते हुए शर्मा रहे हैं, महाराज जी की इज्जत कर रहे हैं और मतलब कुछ बोलने में शर्मा है, महाराज जी का इन बच्चों के सिर पर हाथ रहेगा, ये बच्चे बेड़ा पार जाएगा और ये बच्चे कितने तरक्की पाओगे, कितने नौकरी में कितने क्या है, यहाँ जी एक ही बात है महाराज जी के डेरे में कोई दारू वाला सुल्फे वाला चरस वाला कोई बच्चा जुड़ा नहीं आया है, बगैर नशा मुक्त कमेटी है महाराज जी की, इसमें कोई नशा नहीं है जी। महाराज जी को देना करते हम कितने करेंगे बताओ कुआं के बारे में बताओ भाई, क्या सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं जी, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं न्यार पूछ, और ये जो ट्रीटमेंट है वो भाई सुबह आ जाते हैं 7 बजे, और ये सारे भाई लगे रहे हैं साफ सफाई भी करो, साफ कड़ा के संभालो, बिल्कुल साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखते हैं, इसे कपड़े आप पहन रहे ना इसे गुआ तक साफ सुथरी रखे और बिल्कुल थोड़े थोड़े फिर करो इन इन भाइयों का आदरमान हाथ जोड़कर नमस्कार से दोनों भाइयों ने, और भाई ये हमारे पास आए हैं हमारी गौ चिकित्सालय का संरक्षण करने, सारे मिलकर बोलो भारत माता की पलाद है, कर गौ माता की जय, गौ माता की जय। इनका जो है कुतुबगढ़ में भी बहुत बढ़िया योगदान है, बाबा बैनाथ के नाम से गौ रक्षा दल का काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वहाँ पे भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं, ना आई भी ना आज की इनकी वो तरक्की गई है नहीं, और तो देखो मालिक की दया भैया हम भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो आपका परिचय मैडम आप बताओ थोड़ा कहाँ से हो आप? हम कुतुबगढ़ से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, वहाँ पर चेयरमैन है, हमारा लड़का भी है, हमारे जो है परिवार के सभी सदस्य हैं, इसी गौ रक्षा दल के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो गौ सेवा से आपको मतलब
क्या लग रहा है कि गायें ठीक हो रही, जैसे लंपी बीमारी चल रही है तो लंपी बीमारी के लिए जो है ना कुछ गाय आ रही है और कुछ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर जो है ना स्वस्थ गाय है जो सही है, वैसे तो डेंटल तो है पर वैसे सही है, वह लंपी नहीं है, इसलिए उनको अलग रखा गया क्योंकि वे ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, बहुत ज़्यादा। चारे वारे का कैसे करते हो, जैसे इनका चारा वारा कैसे आता है, चंदा करते हो या कैसे? जैसे किसी किसी ने दे भी दिया, नहीं तो अपनी गौ रक्षा दल वाले बच्चे हैं वे अपने आप ही ले रहे। सारा का यार मान सम्मान सब तो होया करे, सब का सही हो गए हो काम जब चल लिया करे। अरे ये तो भाई कर्मा के काम के भाग होया करे, इनसे गुरु जी तुमने मिले। बोले गुरु जी अपने नाथ की जय, गौ माता की जय, गोवंश जय हो। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।